प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं News9 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिरण मंगरी के सैटेलाइट हॉस्पिटल में खेमराज कटारे की मूर्ति का किया अनावरण। भारतीय जनता पार्टी के विरोध को देखते हुए किया गया भारी पुलिस बंदोबस्त। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग, आधा दर्जन लोग घायल, गंभीर घायल एक युवक और एक युवती को उदयपुर के जिला अस्पताल में किया रेफर। जरगा जी के दर्शन करने आए एक परिवार की पिकअप खाई में गिरी, आधा दर्जन लोग हुए घायल। बतासागर को भरने वाली मदार नहर में गिरी कार, हादसे के बाद कार छोड़कर मौके से रवाना हुआ कार मालिक। और मजदूरी कर घर लौट रहे एक काका भतीजा की बाइक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, गंभीर घायल काका की इलाज के दौरान हुई मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर प्रवास के तहत हेलीकॉप्टर से सोमवार शाम 4 बजे रेलवे ट्रेनिंग स्कूल पहुंचे और हेलीपैड पर उतरे और इस दौरान जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी आगवानी की। सर्किट हाउस में कुछ देर विश्राम करने के बाद गहलोत सेक्टर 4 स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मूर्ति अनावरण के दौरान हॉस्पिटल के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात था। इस दौरान हिरण मंगरी क्षेत्र में एक तरफा यातायात की व्यवस्था रखी गई। पुलिस ने कुछ भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा गड़बड़ी करने का अंदेशा जताते हुए उन पर पहरा लगा दिया था। मूर्ति अनावरण की ये तस्वीरें उदयपुर के हिरण मंगरी सेक्टर 4 स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल की है। खेमराज कटारा सैटेलाइट हॉस्पिटल में पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम 7 बजे वहां पहुंचे। CM गहलोत ने यहां स्थापित की गई खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान इलाके में भारी जाब्ता तैनात रहा। आपको बता दें कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में मूर्ति अनावरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता विरोध कर रहे थे, इसी को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। CM के हिरण मंगरी पहुंचने पर सेवा दल कार्यकर्ताओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें सूत की माला पहनाई गई। इस दौरान उदयपुर के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट, समाज सेवी दिनेश खोड़निया, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा और कई विशिष्ट जन मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने वहां पर आयोजित एक सम्मान समारोह के तहत आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस समारोह और जनसभा से पूर्व विधायक सज्जन कटारा, AICT सदस्य विवेक कटारा, PCC सदस्य रघुवीर मीणा, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया और अनेक लोग मौजूद थे। जनसभा और सरकार की योजनाओं को गिनाया गया और जानकारी देते हुए बताया गया कि इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में राज्य सरकार आम जन की तरफ से हर तरह से संभव कर रही है कि उन्हें राहत दी जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पिछले 1 महीने में ये 15वां दौरा है। सोमवार को बांसवाड़ा सर्किट हाउस में जनसुनवाई करने के पश्चात वे डूंगरपुर जिले के टोकावास पहुंचे, जहां महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करने के बाद वे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 3:30 बजे उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में बने हेलीपैड को लेकर शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने अगवानी की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट, वल्लभ नगर विधायक श्रीमती प्रीति शक्तावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, समाज सेवी दिनेश खोडनिया, लाल सिंह झाला, पंकज शर्मा, पीयूष कच्छावा, सुरेश सुथार, दिनेश श्रीमाली, डॉक्टर दिव्यानी कटारा और मुख्यमंत्री का उन्होंने स्वागत किया। मुख्यमंत्री की अगवानी के दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर, एडमिशन ओपन। उदयपुर के
जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र स्थित टोल नाके के समीप जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों के आपस में भिड़ने का मामला सामने आया है। जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर दोनों गुटों में लाठी भाटा जंग तक हो गई, जिसमें दो महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए दो लोगों को उदयपुर के जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहा था, तभी खुद को जमीन का मालिक बताते हुए पीछे से आए दूसरे गुट ने आगे की जमीन को अपनी बताते हुए सामने वाले पक्ष पर पत्थरों व लठ से हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी पत्थर मारते हुए लाते घूंसे बरसाए, जिससे दोनों पक्षों की दो महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं और सभी घायलों को गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने एक युवक और एक महिला को गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया और दोनों पक्षों ने गोगुंदा थाने में एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच अनुसंधान शुरू कर दिया है। लेकिन मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लेकिन इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 91 नहीं करता है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with Commerce and Science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Iyer, University Road, Udaipur. पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरण मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा स्थित सायरा गांव के पल्ला सभा रोड पर जरगाजी के समीप भीषण हादसा पेश आया है, जहां जरगाजी दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की एक पिकअप गाड़ी खाई में पलट गई। इस घटना में करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पाली जिले के बाली में रहने वाले रेबारी परिवार के लोग इस घटना में घायल हुए हैं। सभी घायलों को बड़ी मशक्कत से खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पाली जिले के बाली में रहने वाले एक परिवार के सदस्य पलासमा स्थित जरगाजी महादेव मंदिर के दर्शनों के लिए जा रहे थे। इसी दौरान चढ़ाई चढ़ते समय पिकअप अचानक रिवर्स में आ गई और अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीणों और राहगीरों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को खाई से बाहर निकालकर 108 को सूचना दी, जिस पर 108 के पायलट मोहम्मद शहजाद मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को निजी वाहनों से 108 एम्बुलेंस की सहायता से सायरा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को गंभीर हालत को देखते हुए बाली हॉस्पिटल रेफर किया। वहीं बाकी बचे लोगों का प्राथमिक उपचार जारी है। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप गाड़ी रिवर्स में आकर खाई में पलट गई। गनीमत तो ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में तुरंत मौके के बाद लोग पहुंचने शुरू हो गए। सभी को खाई से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। इधर फतहसागर झील को भरने वाली मदार नहर में देर रात एक कार के गिर जाने से क्षतिग्रस्त हो गई। रविवार देर रात हुए इस हादसे की जानकारी सुबह क्षेत्रवासियों को लगी। कुछ लोगों ने कार को नहर में गिरे हुए देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। इस हादसे में काले रंग की हुंडई कार क्षतिग्रस्त हुई है।
फिलहाल किसी को गंभीर चोट आने की जानकारी नहीं मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस से ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये कार किसकी है और इस हादसे की वजह क्या रही होगी। देर रात उदयपुर के देवाली स्थित मदार नहर में एक कार के गिर जाने से सुबह लोगों ने देखा तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। क्षेत्रवासियों ने पुलिस को सूचना दी। कार गिरने पर कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर कार चालक के नहीं मिलने से हादसे की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। मदार नहर में मरम्मत का कार्य चल रहा है और संभवतः देर रात कार चालक के नियंत्रण खो जाने से हादसा होने की संभावना जताई जा रही है। सही सलामत होने की वजह से चालक कार को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया होगा। वहीं मौके पर पहुंची अंबामाता थाना पुलिस ने कार को क्रेन की मदद ली और बाहर निकाल कर रखा है और थाने में रखवाया है। कार मालिक का पता लगाने का काम जारी है। मजदूरी कर अपनी बाइक से घर लौट रहे एक काका भतीजा की ट्रैक्टर से टक्कर लगने के चलते गंभीर घायल होने की जानकारी मिली है। घायल काका भतीजे को इलाज के लिए उदयपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान काका की मौत हो चुकी है जबकि भतीजे का इलाज जारी है। मृतक सवीना थाना क्षेत्र के डाकन कोटला का रहने वाला जगदीश मीणा नामक व्यक्ति बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सविना थाना क्षेत्र की डाकन कोटला निवासी 24 वर्षीय जगदीश मीणा और 21 वर्षीय राजू मीणा बीते दिन शहर में मजदूरी कर बाइक से पुनः अपने घर लौट रहे थे। तभी सविना थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर घायलों को राहगीरों की मदद के जरिए महाराणा भोपाल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस को भी सूचना मिली। गंभीर घायल जगदीश मीणा में इलाज के दौरान कुछ ही घंटों में दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर घायल राजू मीणा का इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। Nirja Modi School is a premier institute in Udaipur, Rajasthan, known for providing world-class education to students. Our focus is on creating a generation of leaders who are academically excellent and morally strong. We offer state-of-the-art infrastructure, including cutting-edge technology, modern facilities, and comfortable classrooms. Our international student exchange programs give our students a chance to experience different cultures and perspectives, while our experienced and highly qualified staff provide a personalized, result-oriented education. Our academic and experimental learning opportunities, counseling, skill education, and programs for young children provide a holistic education. We also place a strong emphasis on soft skill development, value education, and sports and extracurricular activities. Our language lab, VR lab, and phonetic training are designed to help students develop their communication skills, while our international sports facility and well-equipped lab and libraries provide opportunities for students to explore their interests and passion. The school picturesque lush green campus with day boarding provide a safe, secure and hygienic environment for students to learn and grow. Our day boarding, meals and personality grooming, public speaking skills, ideal teacher-student ratio and remedial classes after school are added benefits. चुनाव के नजदीक आने के साथ ही दावेदारों ने जीत के लिए नए नए पेतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। अगर बात की जाए वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र की तो वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह झाला ने उनकी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को उज्जैन के महाकाल धाम और पशुपतिनाथ मंदसौर की निःशुल्क यात्रा करवाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच शनिवार शाम मेनार डाक बंगला से 4 बसों से 200 तीर्थ यात्रियों को यात्रा पर रवाना किया है। जय भारत माता की, जय बोले अंबेडकर नाथ की, जय जय हर महादेव। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी सांसद सीपी जोशी भी शरीक होने वाले थे लेकिन वे यहां पहुंच नहीं पाए। ऐसे में उन्होंने दिल्ली से ही वीडियो कॉल के जरिए सभी को संबोधित किया और बसों को हरी झंडी दिखाकर उज्जैन महाकाल और पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर के लिए रवाना किया। इसके लिए निशुल्क तीर्थ यात्रा का ये तोहफा भले ही चुनावी माहौल में मिला हो लेकिन इससे महिलाओं को इस तोहफे से खासी खुशी हुई है। विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह झाला ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये एक छोटी सी पहल है।
इस कार्यक्रम के जरिए करीब 20,000 से ज्यादा महिलाओं को दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। ये यात्रा 75 दिन तक चलेगी। वल्लभ नगर विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह झाला ने महाकाल के दर्शन करवाने का ये संकल्प लिया है। प्रभारी झाला ने बताया कि मातृशक्ति को उज्जैन में नवनिर्मित महाकाल धाम के दर्शन करवाकर अपने आप को वे भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। अनूठी पहल तो है, लेकिन मन का भाव बड़ा होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संकल्प, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास के स्लोगन के साथ कार्य करती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 9 साल इस भारतवर्ष की सेवा करते हुए पूर्ण हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी हम वल्लभ नगर इकाई के वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने एक निर्णय लिया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी से बातचीत कर इस 9 साल की उपलब्धि पर मोदी जी ने जो देश के संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो कार्य किए हैं, तो वल्लभ नगर विधानसभा ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम महाकाल कॉरिडोर को जिस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया है, तो हमारी यहाँ की मातृशक्ति को हम ले जाकर मोदी जी द्वारा कराए गए उस महाकाल कॉरिडोर को दर्शन कराएं और भगवान महाकाल से आशीर्वाद लेकर इस बार वल्लभ नगर विधानसभा में भी सुख संपत्ति और जो मोदी जी की नीति भारत में काम कर रही है वो इस वल्लभ नगर में भी काम हो। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की बड़ी तालाब में मौत के एक मामले में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। उदयपुर शहर के मल्लातला स्थित दुधिया गणेशी निवासी जगदीश लक्षकार पिता महेंद्र लक्षकार की रविवार को बड़ी तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। बड़ी तालाब में डूबने से जगदीश लक्षकार की मौत हुई है। सूचना मिलने पर नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृतक युवक की शव को बाहर निकालकर एमबी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखवाया, जहां मृतक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सशर्त ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन में प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष संजय भटनागर ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को राज्य कर्मचारियों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पुनः बहाल करने का आदेश दिया है। ये राजस्थान सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। इस योजना के दोबारा दिनांक 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर लाभान्वित किया गया है, लेकिन विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान के लिए बजट प्रावधान नहीं है, जिसकी विश्वविद्यालय को सख्त आवश्यकता है। इसी के चलते आज शिक्षणेतर कर्मचारी संघ ने राजस्थान सरकार से पुरानी योजना का लाभ देने की मांग रखी। Serenity of a luxury Saatchi villa nestled in nature. Welcome to our exclusive collection of luxury villas. Each villa is a masterpiece of architectural excellence. Andar aate hi aapko achha lobby space and hall milta hai. Ye aapka dining and ye aapka living area. Yahi se garden entrance bhi hai jahan aapko milega ek shandar pool. Aur mil jayega aapko furnished kitchen with complete utility area. ये आपका फर्स्ट बेडरूम, यहाँ पर आपको रिलैक्सिंग एंड लग्जूरियस सेटअप मिलेगा एंड अटैच्ड बाथरूम जो कि आता है प्रीमियम क्वालिटी की फिटिंग्स के साथ। ये दूसरा बेडरूम जिसको आप गेस्ट रूम की तरह भी यूज कर सकते हो जो कि आता है विद बिग विंडोज एंड अटैच्ड बाथरूम। एंड ये मास्टर बेडरूम, ये भी आता है अटैच्ड बाथरूम के साथ विद ऑल द लेटेस्ट फैसिलिटीज। दिस ऑल्सो वॉक्स आउट टू द टेरिस एरिया एंड यू वॉक आउट टू द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ हिल्स। Saatchi Villa is a home away from home in nature that meets all the parameters of a good location. Saatchi Group, sapno se samriddhi tak. राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने अमरपुरा पहुंचकर घाटा क्षेत्र स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमरापुरा में महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया। शिविर में मौजूद कर्मचारियों को सभी लाभार्थियों के कार्ड बनाने और योजनाओं के लाभार्थियों को पूरी जानकारी देते हुए पात्र योजनाओं में पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं।
महंगाई राहत शिविर में पहुंचने पर एसडीएम रामचंद्र खटी, विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा, तहसीलदार विपिन चौधरी का स्थानीय सरपंच ने माला साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान वहां संचालित महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया गया। शिविर अवलोकन के दौरान राज्य मंत्री और जिला कलेक्टर ने वहां पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से शिविर की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से रूबरू होते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राज्य मंत्री और जिला कलेक्टर ने शिविर के दौरान लाभार्थियों को पट्टे, उज्ज्वला योजना के कार्ड और अन्य योजनाओं की गारंटी कार्ड वितरित किए हैं। इस दौरान राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि 23,000 करोड़ की लागत वाली महंगाई राहत शिविर योजना के पीछे मुख्यमंत्री गहलोत की आमजन को महंगाई से राहत दिलाने की ये योजना है और इसी के तहत ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बचत, राहत, बढ़त और सुशासन को साकार करते हुए राज्य सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। जी, अब आप 25 लाख कर रहे 4 महीना पहले बजट में, इलाज तो मालूम है ना कतरो महंगो है कि नहीं है? कैंसर की बीमारी में 25 लाख ही लाग जाए, 20 लाख काले मुख्यमंत्री जी ने एक आपने शायद बंजारा समाज को हो या नायका का हो, गरीब परिवार को, वो खुद आयो कैसा हमारा 7 लाख को इलाज साई मानसिंह अस्पताल में जयपुर व्यो अपने गांव का ही है। हिमाचल प्रदेश में आपको गांव है, गुजर समाज हूं आप है, तो गांव की पीड़ा ने खेती की पीड़ा ने चित्र समझे। यो कैंप आपको 24 अप्रैल को चल रही है, आज 26वां कैंप है, आज जो 26वां कैंप है 26वीं पंचायत है। अब ये जो बात जो कलेक्टर साहब की है या बिल्कुल सही की है, कैंप लगा दियो सरकार 10-9 योजना को आपने फायदो ये कैंप में मिली, जो जी पात्रता में आई बने हाथों हाथ ये गारंटी कार्ड अठे दे रही सरकार। कल आप खुद देखे हुए, एक मुख्यमंत्री जी खुद आया बड़ी सादड़ी का चैनपुरिया गांव में। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की ओर से 5 जून को उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी की राहत प्राप्त हुई है। अब राज्य सरकार लंपी रोग से दुधारू पशुओं की मृत्यु हुई है उनको 16 जून को चित्तौड़गढ़ जिले के 635 पशुओं के परिवारों को सीधे 40,000 रुपए की राशि सीधी ट्रांसफर कर राहत देगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए पिछले 9 साल से नए खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए कई अकादमी खोलने के साथ फिट इंडिया अभियान चलाया गया है। खिलाड़ियों को स्वस्थ रहने के लिए लाभदायक सिद्ध हो इसलिए देर शाम इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे 5 दिवसीय विधायक खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रविवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां पर देर शाम इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे 5 दिवसीय विधायक खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए वे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट की पिच पर अपने हाथ आजमाए, वहीं खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में सांसद खेल महोत्सव के बाद चित्तौड़गढ़ में विधायक चंद्रमान सिंह आकिया को विधायक खेल महाकुंभ का आयोजन करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि ये आयोजनों से प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया जा रहा है, उनमें मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अकादमियां खोली हैं, जिसमें दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा खिलाड़ी फिट रहने के साथ ही खेलों की बारीकियां भी सीख पाए। जहाँ खेलों में हम दुनिया में सबसे नीचे हुआ करते थे, आज भारत उन देशों में अग्रिम देशों की गिनती में आके खड़ा हुआ है। और चाहे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो और अभी विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, जिसने चित्तौड़ में बहुत अच्छा, हज़ारों खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। चित्तौड़ विधानसभा की एक अद्भुत खेल प्रतियोगिता है। मैं अपनी ओर से विधायक जी को शुभकामना देता हूँ कि इतने हज़ारों खिलाड़ियों को इसमें आने का और खेलने का अवसर दिया। निश्चित रूप से फिट इंडिया मूवमेंट के और खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत पूरे देश भर में युवाओं में जागृति आई है। कैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होना, उसके प्रति अवेयर होना, निश्चित रूप से इस मोमेंट का पूरे देश भर के युवाओं में एक अच्छा मैसेज गया है, एक अच्छी जागृति आई। क्या आप भी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं? डायलिसिस के लाखों के खर्चों से है परेशान?
डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए कहा है और इलाज के बाद भी नहीं मिल रही है कैंसर, किडनी, लीवर जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति। हम आपके लिए लाए हैं सुखायु शिविर, रोगियों, छात्रों व चिकित्सकों के लिए। जाने व सीखे कैसे गंभीर बीमारियों को करे रिवर्स, बीमारियों को रिवर्स करने का तरीका सीखे और अपने डॉक्टर खुद बने। जाने इस 3 दिवसीय आवासीय शिविर में 23-24-25-2023 को संध्या जानी देवी हॉस्पिटल और रिजॉर्ट हिम्स जोधपुर में। अभी संपर्क कर अपना पंजीकरण करवाए 7428177717 7042735658। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिरण मंगरी के सैटेलाइट हॉस्पिटल में खेमराज कटारे की मूर्ति का किया अनावरण। भारतीय जनता पार्टी के विरोध को देखते हुए किया गया भारी पुलिस बंदोबस्त। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग, आधा दर्जन लोग घायल, गंभीर घायल एक युवक और एक युवती को उदयपुर के जिला अस्पताल में किया रेफर। जरगा जी के दर्शन करने आए एक परिवार की पिकअप खाई में गिरी, आधा दर्जन लोग हुए घायल। फतेहसागर को भरने वाली मदार नहर में गिरी कार, हादसे के बाद कार छोड़कर मौके से रवाना हुआ कार मालिक। और मजदूरी कर घर लौट रहे एक काका भतीजा की बाइक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, गंभीर घायल काका की इलाज के दौरान हुई मौत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे यानी अनिल को दीजिए इजाजत और आप बने रहिएगा News 91 राजस्थान पर। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर।